पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह कग्गाजू ने श्रावण मेला महोत्सव का उद्घाटन किया। पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह कग्गाजू ने श्रावण मेला महोत्सव का भव्य उद्घाटन नगर परिषद पिछोर के द्वारा श्रावण मेला महोत्सव का आयोजन पिछोर के बिजासन माता मंदिर पर किया गया। श्रावण मेला महोत्सव के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह कग्गाजू पहुंचे। नगर परिषद अध्यक्ष कविता विकास पाठक एवं परिषद के सदस्य चरून गांव के सरपंच के साथ पिछोर विधायक केपी सिंह कग्गाजू ने श्रावण मेला महोत्सव का उद्घाटन किया, सरस्वती माता का पूजन किया। मेला महोत्सव के उद्घाटन में नगर के गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। नगर के लोगों द्वारा बताया गया कि सालों बाद पिछोर में श्रावण मेला महोत्सव मनाया जा रहा है। नगर के लोगों ने बताया कि श्रावण मेला महोत्सव हमारे पूर्वजों के समय से मनाया जा रहा है। श्रावण मेला नगर के लोगों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह कग्गाजू ने फीता काटकर श्रावण मेले महोत्सव का उद्घाटन किया एवं नगर परिषद अध्यक्ष पति विकास पाठक एवं पार्षदों के साथ मेले में घूमकर मेले का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम के अंत में नगर परिषद के अकाउंटेंट दीपक ठाकुर ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संवाददाता सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। ये कैसा हमारे बाछरण के पाठक जी जवाबदार परिवार है, वो हमेशा अच्छे कामों में उनका सहयोग रहा है। मेरी उनसे प्रार्थना है कि ये बियासन माँ पूरे बाचरण को सदबुद्धि देती रहे, क्योंकि ये मेला देवी की इच्छा से शायद यहाँ आया है, ऐसा मैं सोचता हूँ। जब मुझे पता लगा, आप लोगों को याद होगा नगर पालिका कार्यालय का जो उद्घाटन था, तो विकास ने मंशा जाहिर की थी कि पिछोर में मेला लगाना है। तो विकास से मैंने मंशा ही पूछा था कि जगह कहाँ लगाओगे। उस समय इस जगह के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और जब मुझे पता लगा कि मेले को स्टेडियम में लगाया जा रहा है, तो मैंने विकास जी के मित्र, चूंकि विकास की उस समय तबीयत खराब थी, वो कहा कि जाके समझाओ कि स्टेडियम मेला लगाने के लिए नहीं है, बेटा मेला का उपयोग बच्चों के खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसी गतिविधियां जिसमें आम जन को सुविधा की और बड़ी जगह की जरूरत है, उसके लिए बनाया स्टेडियम जो मेले के लिए नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था विकास से कि मैं एक बार बोलूंगा, दो बार बोलूंगा, उसके बाद जो करना है करो, तुम जानो तुम्हारी माया, तुम कोई पब्लिक ने चुना है, तुम्हारी अपनी ड्यूटी है, हमारा काम है सही सलाह देना, जो उचित अनुचित निर्णय आप सबको परिषद को करना होता है। लेकिन विकास